पिछले कई महीनों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे जो रेडी फड़ी वाले लोग हैं उनके पीछे पड़ी हुई है और उनके सामान को खराब कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। हमने जाकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीओ को एक मेमोरेंडम दिया था। हमने कहा था कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नियम बना रखे हैं, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक पॉलिसी बना रखी है, पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है, उस लॉ के मुताबिक हमारे रेडी फरी वालों से आप पेश आइए। लेकिन प्रशासन ने इनके कान पर जू नहीं रेंगी है। अब ये विश कर रहे हैं कि हम हाईकोर्ट में जाएं और बाई डेम इनके ऊपर केस करें, जिस तरीके से इन्होंने गंद मचा रखा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक्ट के अंदर लिखा है कि कौन आदमी इनको हटा सकता है, इसमें डीसी का काम ही कोई नहीं है, इसमें सीओ का काम ही कोई नहीं है। इसके लिए एक टोन बैंडिंग कमेटी बननी थी, टोन बैंडिंग कमेटी ने फैसला करना था। मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट को लेटर लिखा कि जनाब ये लॉ बना हुआ है और लॉ बनने के बावजूद भी यहाँ कठुआ में कमेटियां नहीं बनी है। उसने मेरे को एसआरओ दिया, ये एसआरओ दिया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, ये एसआरओ है।
इस एसआरओ में तमाम जम्मू कश्मीर की म्युनिसिपैलिटीज की टोन बाइंडिंग कमेटी बनी हुई है, कठुआ की टोन बाइंडिंग कमेटी बनी हुई है। टोन बाइंडिंग कमेटी ने फैसले लेने थे, वो फैसले जो है वो डीसी कठुआ ले रहा है। जहां भय और डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है, कल उस बच्चे को उसकी हत्या हो सकती थी, उसको मारा जा सकता था। और ये जो सामान जो बर्न ले रहे हैं, हम हाईकोर्ट से पूछेंगे, जिसके पास अथोराइजेशन नहीं है, सामान जब्त करने का तरीका है। सामान कैसे जब्त किया जाता है? जम्मू कश्मीर सरकार ने उसको नोटिफाई करके रखा है। इसलिए इस मौके पर हम पूरी कठुआ आवाम से निवेदन करना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें कर रही है, तैयार कर रही है कि हम कोई बड़ा आंदोलन करें, कठुआ बंद की काल दें, नेशनल हाईवे पर जाएं और इस सरकार की जो हालत की है, और हम ये चाहेंगे कि इनसे बैठ करके बातचीत हो, एडमिनिस्ट्रेशन कानून और नियम को फाइल करे, नहीं तो अदरवाइज आंदोलन के लिए तैयार है। जो इनका कंपर शेड मांगता है, अभी इनको 10,000 रुपया कैश दिया इनके फादर साहब को, और जो इनकी रेड़ी टूटी हुई है वो इनको रेड़ी दिलाई जाएगी, बाकी जो भी जान माल का इनका नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई हमने भी देखी है। हमने अभी हमारी बात हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमने यही बात की है कि सर आपका जो सिस्टम चल रहा है वो उसको जैसे मर्जी रहिए, कम से कम जो गरीब रेड़ी फटी वाले हैं उनको बिल्कुल तंग नहीं किया जाए। रेड़ी जो इनके नाम से है, जो म्युनिसिपल कमेटी का जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत इनको ऑर्डर भी दे चुके हैं कि रेड़ी वाले को कोई बंदा तंग नहीं करेगा। रेड़ी चलती फिरती दुकान होती है, बिल्कुल रेड़ी वाले को कोई भी इनका अधिकारी है कोई भी बिल्कुल तंग नहीं करेगा। जिन लोगों ने ये गलती की है वो भाई मीडिया के थ्रू आपसे माफी मांग सकते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि डीसी साहब ने नहीं बोला किसी की रेड़ी फड़ी उठाओ। ये नेगलिजेंसी किन लोगों की है, जिन लोगों ने ये जिनोली हरकत की है ना, ये सारा जो किया है कसूर है म्युनिसिपल कमेटी के जो अधिकारी हैं इन लोगों का है। चलो जिन लोगों ने गलती की है इस गलती का इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो गरीब रेड़ी फड़ी वाला है, आपको पता है हमारा भाई है छोटा, कल से हम लोग भी बड़े परेशान हैं। मैं सुबह से आज तक अभी घर तक नहीं गया हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा देखो एक तो एक गलत रास्ते में चला गया था ये, इसको बड़ी मुश्किल से इनके घर वालों ने इसको निकाल के कोई रोजगार दिया है। इसको अगर इसको रोजगार दिया यार, रेड़ी उसने वहां लगाई थी, वहां से रेड़ी निकाल के आप लोग कौन से कानून में लिखा है ये वाला कि इसकी रेड़ी को क्वैश किया जाए? जो गलती हुई है उस गलती को सीओ साहब मान रहे हैं।